हेलो दोस्तों, माय नेम इज ब्रजेश पटेल एंड आई एम परसुइंग मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम IIT मंडी। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड द एल्कोहल, टॉपिक इज एल्कोहल। एल्कोहल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टूडे आई विल टीच यू सम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल टू टाइप्स के केमिकल रिएक्शन देता है। एक जिसमें कि CO बॉन्ड क्लीवेज होता है और दूसरा जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो आज हम पढ़ेंगे जिसमें कि CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो उसमें पहला एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल। डिहाइड्रेशन, एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द वाटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिएक्शंस क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म क्या है और उसके बाद सम एग्जांपल्स करेंगे। सो सबसे पहले रिएक्शंस देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल, तो इसमें एल्कोहल तो होगा पक्का, RCH CH3 OH। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है कंसंट्रेट H2SO4 और उसके साथ में हीट, या फिर हम H3PO4 भी ले सकते हैं और साथ में हीट। इसमें होता क्या है, बेसिकली OH अपने बीटा OH के रिस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन और OH यहाँ से लीव करता है, H2O का फॉर्मेशन करता है और फिर उसके बाद एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो प्रोडक्ट जो बना तो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स इन मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन ऑफ द OH ग्रुप। H+, ये जो H+ है ये फ्रॉम H2SO4 से है। अब हम जानते हैं कि एल्कोहल के पास 2 लोन पेयर है, तो ये एल्कोहल इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। कभी ये प्रोटॉन इस पे नहीं अटैक करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन करता है। तो ये प्रोटॉन पे अटैक करेगा और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो ये क्या है, OH2+2 है और यहां क्या था, OH था। अब ये OH H2O+2 हो गया जो कि बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू OH। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये फास्ट होता है, फास्ट स्टेप्स काफ़ी। और जो दूसरा होता है इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो OH2+2 बना है ना ये लिव कर जाएगा बिकॉज ये बेटर लिविंग ग्रुप है। सो
सो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और दिस स्टेप, यह स्टेप क्या होता है, आरडीएस होता है, क्योंकि ये स्लो स्टेप होता है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अब इन स्टेप नंबर थर्ड, अगर कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल दिया है आर सी एच टू एस्टर, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल दिया है तो ये इस पर अटैक करेगा और आर सी एच एन यू सी एच थ्री ये बनेगा। अगर कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल न दिया हो तो उस केस में क्या होगा, जो कॉन्जुगेट बेस था एसिड का H2SO4 का, वो क्या, वो H2SO4 जो है ये ब्रेक हुआ होगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो ये जो HSO4 माइनस है ना, ये क्या करता है, HSO4 माइनस ये कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में जो बीटा हाइड्रोजन है ना उसको अब्स्ट्रैक्ट करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बोकैटायन के पी ऑर्बिटल में डोनेट करता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है CH एंड CH2। ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सो अब इसमें आप देख सकते हो कि OH के रिस्पेक्ट में OH के रिस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो बीटा है, तो इसे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। सो अब इसके बाद हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल में। तो जैसा कि हमने देखा कि जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन था वो आरडीएस था, तो यानी कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है अब डिहाइड्रेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यानी कि कार्बोकैटायन जितना स्टेबल बनेगा रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो टर्शरी अल्कोहल होगा ना उसकी रेट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी का होगा, उसके बाद प्राइमरी का होगा। और हम ये भी देखे हैं कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन बना है, तो जो कार्बोकैटायन बना है तो वो फर्दर रीअरेंजमेंट में भी जा सकता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि कार्बोकैटायन लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है बाय रीअरेंजमेंट, आइदर बाय हाइड्राइड शिफ्ट आइदर बाय मेथाइल शिफ्ट। यानी कि कार्बोकैटायन अंडरगो रीअरेंजमेंट इन दिस रिएक्शन। सो अब हम समझेंगे कि कार्बोकैटायन कैसे रीअरेंजमेंट करता है और कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, क्योंकि एल्किन तो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। सो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे रीअरेंजमेंट होता है और इन डिहाइड्रेशन ऑफ द वाटर एल्कोहल।
इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन। पर ओ माय ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, CH3 OH2 एंड CH3। अब ये OH बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, तो बनाएगा क्या, कार्बोकैटायन CH3 CH CH3 एंड CH3। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जाएगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन CH3 H CH3 CH2 CH CH3। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बैक एंड पी ऑर्बिटल में डोनेट होगा और इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। और CH3 पॉजिटिव CH2 CH3, ये क्या था, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। ये कौन सा है, 3 डिग्री। अब 2 डिग्री का कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होके 3 डिग्री बनाया। अब यहाँ से एलिमिनेशन होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल दिया है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, अगर नहीं दिया है तो उसमें जो कॉन्जुगेट बेस है H2SO4 का वो सिंपली बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। सो इसके आगे का देखते हैं। CH3 CH2 देखो, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है प्रोटॉन को SS SO4 माइनस, प्रोटॉन यहाँ से भी कैप्चर कर सकता है और ये प्रोटॉन यहाँ से भी कैप्चर कर सकता है। इन दिस केस विच प्रोडक्ट विल बी मेजर, तो हम जानते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो प्रोटॉन वहाँ से HSO4 लेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर CH3 C double bond CH CH3 and CH3, दिस विल बी मेजर। ऐसा नहीं कि 100% बनेगा, इसमें कुछ माइनर प्रोडक्ट का भी अमाउंट रहेगा, बनेगा कुछ अमाउंट में। अगर यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट हुआ तो CH3 CH2 CH3 CH2, दिस विल बी माइनर। सो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, हाउ द कार्बोकैटायन अंडरगो रीअरेंज फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल।